डियर स्टूडेंट्स, देखिए एबायोटिक फैक्टर को फिनिश करने के बाद हम लोग एबायोटिक फैक्टर को कैसे, मतलब एबायोटिक फैक्टर के द्वारा जो स्ट्रेस होता है एनवायरनमेंट का, उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, यानी आज का जो हेडिंग है वो है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, यानी कि टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, ये सब के प्रति, ये सब के द्वारा अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारे चारों ओर क्रिएट होता है तो उसके प्रति हमारा बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है, उसके प्रति किसी एनिमल का बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करता है। ओके, तो हेडिंग क्या है, हेडिंग है ठीक है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ये जो रिस्पॉन्सेस की बात है इसको आपको पहले बहुत लंबे तरीके से समझना होगा कि ये रिस्पॉन्स क्या है, ये एबायोटिक स्ट्रेसेस क्या है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पूरे मतलब इन्वायरमेंट में कोई भी कंडीशन एबायोटिक फैक्टर एक जैसा नहीं रहता, थ्रू आउट द ईयर एक जैसा बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि अभी ये जो इन्वायरमेंट है उसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये अक्टूबर का मंथ है, अब उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है, आपको मॉर्निंग में फील होता होगा कि नहीं थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, एकदम बिल्कुल मॉर्निंग में। अगर आप रात में फैन चला के सोए थे तो आपको फैन के स्पीड को कम करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आप अपने बॉडी के अंदर का, सिर्फ हम अभी ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो आप अपने ह्यूमन के बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर का खास करके फिक्स रखना चाहते हैं बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन। ठीक है, बाय चेंजिंग द एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज करते हुए ठीक है आप अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना चाहते हैं, ठीक है उसको आप फिक्स करना चाह रहे हैं, उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं। यानी कि आपको अगर सुबह के टाइम में ज्यादा सर्दी लग रही है या सर्दी का एहसास हो रहा है तो आप फैन के स्पीड को ठीक है 5 से 3 कर देते हैं, और ज्यादा लगता है तो 1 कर देते हैं, और भी ज्यादा लगेगा कुछ दिनों बाद तो आप 0 कर देंगे। ठीक है, बट सोचिए दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, क्या दूसरा ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कोई रास्ता है, नहीं है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जो हम लोग कर रहे हैं ठीक है वो सारे ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहे, हम लोग कर क्या रहे, हम लोग अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रख रहे हैं, हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं। कहता है कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना दैट इज कॉल्ड, इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस, एक टर्म है होमियोस्टेसिस। ठीक है, ये टर्म क्या है, होमियोस्टेसिस। ठीक है, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स ठीक है टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट टू मेंटेन इट्स इंटरनल द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स ठीक है टू मेंटेन इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट ठीक है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स To maintain its internal environment, ठीक है in comparison with, ठीक है changing or fluctuating, ठीक है external कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट
environment, ठीक है, यानी कि बाहर जो भी कंडीशन चेंज हो रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रहे हैं, उसके कंपैरिजन में इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना, दैट इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। और आपको पता है, आपको मैंने प्लस वन में पढ़ाया होगा, पढ़ाया होगा, ठीक है, आप अपने दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस डालिए, ये स्ट्रेस को छोड़ के। होमियोस्टेसिस को आपके बॉडी में कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक फ्लूड है, ठीक है, वो होमियोस्टेसिस को ही स्पेशली क्या करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। होमियोस्टेसिस कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, होमियोस्टेसिस इज कंट्रोल्ड बाय, क्या बोलिएगा, ठीक है, कहता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इन ह्यूमन के अंदर, ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ह्यूमन के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ही कंट्रोल करता है होमियोस्टेसिस को। और ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपको पता है मेनिंजेस के लेयर के बीच में रहता है, बनता है कॉर्वाइड प्लेक्सस से। ये बनता किससे है, ठीक है, फॉर्म बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, एंटीरियर एंड फॉर्म बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, फॉर्म बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, ठीक है, फॉर्म बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉर्वाइड प्लेक्सस, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, ठीक है, इसके द्वारा बनता है और ये जमा कहां रहता है, डिपोजिटेड किस में रहता है, कहता है डिपोजिटेड, ठीक है, इन डिफरेंट स्पेस बिटवीन लेयर ऑफ, ठीक है, बिटवीन लेयर ऑफ, ठीक है, क्या बोलिएगा, बिटवीन लेयर ऑफ मेनिंजेस, ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहां तक। चलिए अब देखिए, फिर से हम लोग देखें, कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट की बात है ये, ना तो टेम्परेचर की बात है इकट्ठे, देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ इंटरनल इन्वायरमेंट की बात, ठीक है, इंटरनल इन्वायरमेंट की बात है, ठीक। इंटरनल इन्वायरमेंट में दोनों चीजें आती हैं, एक आती है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, एक आती है टेम्परेचर। अगर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें, अगर हम इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें तो कहता है इंटरनल इन्वायरमेंट में दोनों चीजें आती हैं, टेम्परेचर भी आती है, ठीक है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी आती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी आती है, ठीक है, यानी कि अगर, ठीक है, रेगुलेट करने की बात है, अगर मेंटेन करने की बात है, तो होमियोस्टेसिस के अंदर हम दोनों चीज को मेंटेन करेंगे। होमियोस्टेसिस के अंदर, ठीक है, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट का क्या बता रहे हैं, होमियोस्टेसिस बता रहे हैं, कहता है होमियोस्टेसिस के अंदर हम दोनों चीज को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे थर्मोरेगुलेशन, ठीक है, और अगर, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अगर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोग मेंटेन करते हैं कैसे, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कहते मान लीजिए कि गर्मी का टाइम बहुत ज्यादा, यानी कि मतलब है क्या क्यों मेंटेन करना पड़ता है, हमारे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है इंटरनल, ठीक है, वो क्या है, लगभग 37 डिग्री है, हमें तो सर्दी गर्मी का एहसास होगा। मान लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, टेम्परेचर है 37 डिग्री और बाहर सर्दियों में टेम्परेचर है 5 डिग्री,
ठीक है, हम अपना, ध्यान से सुनिएगा, हम अपना इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट यानी टेम्परेचर की सिर्फ बात कर रहे हैं तो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कैसे, रूम हीटर चला के, ठीक है, मोटे मोटे कोट पहन के, स्वेटर पहन के, ठीक है, लोई लेके, अगर ऑफिस में नहीं है तो घर में है तो एकदम रजाई कंबल ये वो सारा कुछ करके। कभी आपने सोचा है प्लांट क्या करता होगा? कभी आपने सोचा है दूसरे इनवर्टिब्रेट क्या करते हैं? कभी आपने सोचा है छोटे एनिमल्स क्या करते हैं? ठीक है, तो कहता है कि ये सब काम हम लोग करते हैं लेकिन कैसे करते हैं कैसे करते हैं, तो कहता है ये सब आर्टिफिशियल मींस है, ये नेचुरल तरीका नहीं है मेंटेन करने का हम लोग, ठीक है, चाहे रूम हीटर चला लें, चाहे रजाई ओढ़ लें, चाहे कम्बल ओढ़ लें, मफलर लगा लें, कैप पहन लें, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल मींस है, नेचुरली कुछ नहीं है, यानी कि नेचुरली आपको करने के लिए ये सब तरीका नहीं है डेवलप, ठीक है। कहता है पढ़ेंगे, नेचुरली भी कुछ है, हम पढ़ेंगे अभी, अभी रुक जाइए। तो कहता है कि ये बाकी में तो नहीं है, बाकी में नहीं है, तो सोचिए, आप सोचिए कि बाकी ऑर्गेनिज्म कैसे मेंटेन करते होंगे अपने आप को सर्दियों में, कैसे मेंटेन करते होंगे गर्मियों में, और गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, एसी चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, फैन चला लेते हैं, ठीक है, मतलब ये सब चला के, ठीक है, मतलब हम लोग शरबत बना के पीते हैं, ये सब पीते हैं, मतलब कोल्ड चीज सब पीते हैं, यूज करते हैं। कहता है वो भी तो आर्टिफिशियल मींस है, यानी हम लोग गर्मी में बच रहे हैं तो भी आर्टिफिशियल तरीके से बच रहे हैं, सर्दियों में बच रहे हैं वो तब भी आर्टिफिशियल तरीके से बच रहे हैं। तो सोचिए, हम लोग बचाव कर रहे हैं, हम लोग तो बचाव कर रहे हैं, दूसरे इनवर्टिब्रेट कैसे करते होंगे, लोअर वर्टिब्रेट कैसे करते होंगे, सारे प्लांट कैसे बचाव करते होंगे, वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि होमियोस्टेसिस को कैसे मेंटेन करते होंगे, वो होमियोस्टेसिस में टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते होंगे, थर्मोरेगुलेशन कैसे करते होंगे, वो ऑस्मोरेगुलेशन कैसे करते होंगे, ये पूरा का पूरा सवाल उठता है, ठीक है। तो कहता है इसी सब सवालों का जवाब है कि ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए, चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए जो रिस्पॉन्स देते हैं वो चार हेडिंग में बटा होता है। कितने हेडिंग में? चार हेडिंग में चार हेडिंग में बटा होता है, और यहां से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, ओके? अगर सब्जेक्टिव में, आप जानते हैं कि बहुत सारे सिलेबस को सब्जेक्टिव के लिए अभी हटा दिया है, लेकिन ये वीडियो हम कोरोना काल को ध्यान में रख के नहीं बना रहे, इसलिए हम पूरे के पूरे फ्यूचर को देखते हुए कि हाँ भाई कोरोना खत्म होगा फिर सिलेबस उतना ही मेंटेन होगा, अभी 30% घट गया है, हम उस पॉइंट से बना रहे हैं, हम नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, हम लॉन्ग लाइफ इस चीज को हम देख रहे हैं कि हाँ भाई कोरोना के बाद भी आगे भी हम कैसे, मतलब आपको कंटिन्यूअसली हम अपने वीडियो के द्वारा आपको अच्छे कंसेप्ट देते रहे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करवाते रहे, अच्छे ट्रिक टेक्निक बताते रहे, ठीक है। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, इसलिए मैं सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो आप समझिए ये सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस से बचने के लिए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो नेचुरली करे चाहे वो आर्टिफिशियली करे, आर्टिफिशियली ह्यूमन कर सकता है, ठीक है, दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। कोई बर्ड्स ऐसा नहीं होगा कि रजाई ओढ़ लेना, कोई इन्वर्टिब्रेट ऐसा नहीं होगा कि हाँ रजाई के अंदर, वो किसी बिल में जा सकता है, कहीं भी है, कुछ भी कर सकता है। तो कहता है कि इस सबसे बचने के लिए चार तरीका है, मतलब चार तरीके में हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, कितने में पढ़ेंगे, चार। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और मैं आपको बताता हूं चार तरीका कौन है। देखिए
देखिए वो चार तरीका जो है वो चार ग्रुप में हम कैसे बांटे हैं। पहला कहता फर्स्ट, ठीक है, कहता पहला, ठीक है, रेगुलेट, रेगुलेट। दूसरा कन्फर्म, कन्फर्म। तीसरा, पहला रेगुलेट, दूसरा कन्फर्म, तीसरा, ठीक है, फर्स्ट हो गया रेगुलेट, दूसरा हो गया कन्फर्म, तीसरा जो है वो है माइग्रेट, माइग्रेट, और चौथा जो है वो है सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखिएगा मैं आपको बताता हूं। इस पे जो अभी कोडिंग में बताने जा रहा हूं, ये कोडिंग पे एक और ट्रिक मैं बता चुका हूं ईसीजी में। आप जानते हैं ईसीजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो जो आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है वो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है इस पे क्वेश्चन आता है, इस साल भी नीट में क्वेश्चन आया था कि क्यू आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। वहां पे मैंने एक ट्रिक बताया था कि पी क्यू अगर इरेगुलर हो जाए तो रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, क्यू आर एस अगर इरेगुलर हो जाए, ठीक है, तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। ये कॉन्जेनाइटल कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है जिसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और एस टी अगर इरेगुलर हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो कहता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी हार्ट अटैक होता है। वहां भी ट्रिक बताया था आरसीएम। एक्चुअली में आरसीएम इंडिया में एक कंपनी थी, जब आई थी एमवे को टक्कर देने के लिए आई थी। एमवे तो अभी भी चल रहा है अपने प्रोडक्ट के गुणवत्ता की वजह से। आरसीएम को बहुत जगह लोकल लेवल पे भी सस्पेंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो आरसीएम सस्पेंड, वहां पे भी हमने बोला था आरसीएम सस्पेंड, यानी कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज और मायोकार्डियल इंफार्क्शन को सस्पेंड करो जीवन से। यहां भी मैं कह रहा हूं आरसीएम सस्पेंड, ठीक है, यहां भी ट्रिक क्या है, आरसीएम सस्पेंड, यानी कि आरसीएम सस्पेंड होना चाहिए, ठीक है, आरसीएम सस्पेंड होना चाहिए, ठीक है जी, आरसीएम सस्पेंड होना चाहिए। यानी कि इस चार कैटेगरी के द्वारा, इस चार, ठीक है, तरीके से दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एबायोटिक स्ट्रेसेस के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। कैसे कैसे सोते हैं, कहता पहला एग्जांपल है रेगुलेट। रेगुलेट में आइए, रेगुलेट क्या चीज है, कहता रेगुलेट का मतलब है जैसे बर्ड्स, ठीक है, लाइक बर्ड्स, देखिए यहां पर क्या बोलते हैं बर्ड्स, ठीक है, मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स मैमल्स, ओके, कहते हैं सम लोअर वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, सम लोअर वर्टिब्रेट्स, कहते हैं सम लोअर वर्टिब्रेट्स नहीं, ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स ही रखिए, और सम अदर एनिमल, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, सम अदर, ठीक है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ये सब मिला के मात्र ओनली वन परसेंट ऑफ टोटल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है, ये समझ, ठीक है, बर्ड्स मैमल्स सम अदर वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट सब मिला के मात्र 1% स्पीसीज अपने बॉडी के अंदर का टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकता है।
ओके मेंटेन कर सकता है, यानी कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर बाहर जो है, या मान लीजिए कि फ्लक्चुएटिंग जो उनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन उनके मीडियम में है जहां पे वो रह रहे हैं एक्वेटिक मीडियम में, उसमें मतलब उसके कंपैरिजन में अपने बॉडी के हर चीज को मेंटेन कर सकता है। हम ह्यूमन का एग्जांपल लेंगे, रुक जाइए, तो कहता है वो मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो जो मेंटेन कर सकता है उसको बोलते हैं रेगुलेट, उसको बोलेंगे रेगुलेट। और जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर सकता उसको बोलते हैं, जो मेंटेन नहीं कर सकता उसको बोलते हैं कंफर्म। क्या बोलते हैं? कंफर्म। जैसे अगर कोई, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है उसको बोलेंगे थर्मोरेगुलेटर्स, थर्मोरेगुलेटर्स, थर्मोरेगुलेटर्स। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? और अगर कोई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेटर्स, ऑस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है जी। अगर कोई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है तो क्या बोलेंगे? थर्मोरेगुलेटर्स। अगर कोई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑस्मोरेगुलेटर्स, ठीक है। तो कहता है कि ये इसमें क्या आता है? बर्ड्स आता है, मैमल्स आता है, मेन तो यही दोनों आता है, ठीक है। कहता है इन दोनों, अब ये कैसे करते हैं इसको मैं अभी बताने जा रहा हूं, इसको मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। जैसे ह्यूमन का आप एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई आर्टिफिशियल मींस नहीं हो, नेचुरल की बात हो रही है। आर्टिफिशियल में तो आप सर्दियों में जो जो इस्तेमाल करते हो मैंने पहले ही बताया, गर्मियों में जो जो इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट्स मैंने पहले ही बताया, ठीक है। कहता है कि मतलब आपके बॉडी का अपना, ठीक है, रेगुलेट मैकेनिज्म क्या है बिना आर्टिफिशियल मींस का सहारा लिए हुए। तो कहता है वो है, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हुआ तो हमारे बॉडी से प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, लगातार पसीना चलता है। लगातार पसीना जब चलता है तो हमारे बॉडी में कूलिंग अपने आप नेचुरली प्रोवाइड होती है। यानी कि बहुत ज्यादा गर्मियों में पसीना का निकलना, और बहुत ज्यादा जब ठंड होती है ना तो शिवरिंग होती है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे शिवरिंग होती है। ये जो शिवरिंग होती है ना ऐसे ऐसे, ये क्या होता है जी? ये एक तरह से एक्सरसाइज है हीट को प्रोड्यूस करने का, और ये शिवरिंग नेचुरल होती है, ठीक है। आप सोचिए, आप घरों में, ठीक है, मतलब हीटर जला के दो तीन रजाई लेके अखबार में पढ़ते हुए, ठीक है, ये देखते हैं कि मैं एक गरीब मर गया। पहले वो गरीब अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश किया होगा, इसलिए उतना देर तक जिंदा भी रहा, और जब एक्सेस टेम्परेचर हो गया तो उसके बॉडी का जो मतलब इंजाइम है वो क्या गया? नॉन फंक्शनल हो गया। क्योंकि हमारा आपका बॉडी जो है, या किसी भी एनिमल का जो बॉडी है, ठीक है, वो एक फिक्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है, एक फिक्स ऑप्टिमम पीएच पे उसका इंजाइम काम करता है। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे ही कोई भी इंजाइम फंक्शनल होता है। और आपको पता है कि अगर इंजाइम नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगा। तो इंजाइम को फंक्शनल रखने के लिए एक ऑप्टिमम रेंज में ही हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके आगे पीछे तो कुछ बॉडी अपना करेगा रिस्पॉन्स। जैसे गर्मियों में हमारा बॉडी, ठीक है, सर्वाइव करता है। हमारा बॉडी गर्मियों में अपने आप के इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है बाय प्रोफ्यूज स्वेटिंग। सर्दियों में बाय ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक्सरसाइज लाइक सीवरिंग, ठीक है। तो कहता है ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का नेचुरल तरीका है, ठीक है, नेचुरल तरीका है, ठीक है। कहता है बर्ड्स का, बर्ड्स भी देखिएगा एकदम पंखों सिकोर के एकदम बैठा रहेगा सर्दियों में, ठीक है, वो जब धूप निकलते हैं तब वो बाहर निकलते हैं, चहचहाते हैं, ठीक है। उनका भी अपना तरीका होता है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक कॉर्नर में, घोंसले में चले जाते हैं। ये बर्ड्स के पास भी इक्विपमेंट्स होता है, लेकिन वो क्रिएट करते हैं, वो आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं। और उनमें बॉडी टेम्परेचर, वो कैसे? कहता है उनका नेचुरल बॉडी टेम्परेचर कुछ ज्यादा होता है,
ठीक है, और मेंटेन करके रखते हैं। उनमें थर्मोरेगुलेशन के लिए मैकेनिज्म होता है, बहुत तगड़ी मैकेनिज्म होती है, ठीक है। उनमें फर होते हैं, ये नेचुरल, उनका नेचुरल बनावट है बॉडी का, देखिए फर होते हैं, ठीक है। तो जो उनमें फीदर्स होते हैं ना, वो फीदर उनको मतलब सर्दियों से बचाता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट? अब आइए, तो अब देखिए, यानी कि रेगुलेट, जो जो रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जो जो अपने टेम्परेचर को, यानी कि जो जो इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, उनको इस कैटेगरी में लाते हैं। इसमें कौन आएगा? बर्ड्स आएगा और मैमल्स आएगा, कुछ अदर एनिमल आएंगे, उनका हम मतलब नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं, 1% में सारे निपट जाते हैं। अब आइए, कहता है अच्छा ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, ठीक है, कि हमें सर्दी गर्मी का एहसास होता है? कहता है इसलिए कि हमारे बॉडी का फिक्स टेम्परेचर है, हमारे बॉडी का फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर नहीं है, हमारे बॉडी का फिक्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है, हमारे बॉडी का फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन नहीं है। मान लीजिए कि किसी को डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरापी करते हैं, ORT करते हैं, ठीक है, फिर मेंटेन कर लेते हैं, ये आर्टिफिशियल मीन्स हुआ, ठीक है, नींबू पानी पीते हैं, आर्टिफिशियल मीन्स हुआ, ठीक है। नहीं तो कहता है कि अब मान लीजिए कि मतलब नेचुरल हीलिंग पावर भी तो है, नेचुरल, ठीक है, भी जनरेशन है कि हम अगर मान लो कि 2 दिन तक कुछ नहीं खाते, अपने आप मिनरल कंटेंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आइए, कंफर्म का मतलब हुआ कि 99%, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑल एनिमल एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है, ऑल एनिमल्स एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल्स, ये सारे के सारे एनिमल, ठीक है, एक्सेप्ट बर्ड्स एंड मैमल, ठीक है, प्लस ऑल प्लांट्स, ठीक है, कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल इन्वायरमेंट आइदर टेम्परेचर और, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आइदर टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत? तो कहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंफर्म, यानी कि अगर मान ली इसके कंफर्म पॉइंट को अगर लेके करें तो कहता है कि जो अगर टेम्परेचर को नहीं कर पाते हैं उनको क्या बोलेंगे, थर्मो कन्फर्मर्स, और जो, ठीक है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते जैसे पे था, तो क्या बोलेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स बोली, क्लियर हो गया, उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? तो इसमें कौन कौन आएंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, ऑस्मो ये क्या बोलते हैं, थर्मो कन्फर्मर्स में, इसमें आएंगे सारे के सारे एनिमल एक्सेप्ट बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के सारे के सारे आएंगे, प्लस सारे प्लांट्स आएंगे इसमें, ये सारे आएंगे। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है ये सब में क्यों, कैसे सब मेंटेन करते हैं? कहता है इनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएटिंग होता है, इनका बॉडी, ये जनरली सारे के सारे पॉइकिलोथर्मिक होते हैं, लगभग सारे के सारे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो यहां पे अगर आपको बोलेंगे ना कि प्लांट भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, आपको आश्चर्य लगेगा, प्लांट भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैं आपको बता दूं, ब्लड से कोई रिलेशन नहीं है कोल्ड ब्लडेड होना और वार्म ब्लडेड होना। वार्म ब्लडेड या होमियोथर्मिक, ठीक है, या इंडोथर्मिक का मतलब है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और कहते हैं पॉइकिलोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड या इक्टोथर्मिक होने का मतलब है फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर।
तो फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर प्लांट्स का भी होता है, 99% एनिमल का भी होता है, ठीक है, सबका फ्लक्चुएटिंग। ये सब तो इसी कारण से तो ये सब क्या करते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी एबायोटिक स्ट्रेसेस को झेल लेते हैं आसानी से। मान लीजिए कि ये 4 डिग्री टेम्परेचर पानी में अगर हो तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी 4 डिग्री हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर में हो तो उनके बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा। ना हीट लॉस होगा ना हीट गेन होगा, अपने आप ये क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सर्वाइव करेंगे क्योंकि इनका क्या है बताइए, इसलिए सर्वाइव करेंगे कि ये लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या वाइकिलोथर्मिक होते हैं, वाइकिलोथर्मिक होते हैं, या ये क्या होंगे, ठीक है, इक्टोथर्मिक होंगे, इक्टोथर्मिक। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कोल्ड ब्लडेड टर्म प्लांट के लिए भी अप्लाई होता है क्योंकि प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसे जैसे घटेगा जैसे जैसे बढ़ेगा, प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ेगा वैसे वैसे घटेगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, अपना तरफ फिक्स नहीं होगा, ठीक है। इसलिए देखिएगा सर्दियों में, अभी क्यों नहीं, अभी आप ऐसे करते हैं, क्यों नहीं आपके मुंह से, ठीक है, एक तरह का वो भेपर निकलता है, क्यों नहीं निकलता है? सर्दियों में जरा अगर देखिए ऐसे कीजिएगा, वहां पे देखिए कितना ज्यादा निकल, अभी भी निकलता है, कुछ निकलता है। अगर आपको चेक करना है, आप शीशे पे कोई ग्लास पे ऐसे कीजिए तो कुछ निकलेगा, लेकिन उसमें देखिएगा कितना निकलता है, और उसमें गर्म गर्म निकलेगा, उसमें ऐसे करके आपको यहां पे लेने में भी बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि गर्म गर्म निकल रहा है, ठीक है। यानी कि आपका तो बॉडी का टेम्परेचर वही है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है, इसलिए आपको सर्दियों का एहसास होता है, गर्मियों का एहसास होता है उनको, ठीक है, 99% एनिमल को, प्लांट स्पेसिस को, ना सर्दियों का एहसास होता है ना गर्मियों का एहसास होता है, ना उन्हें एसी चलाने की जरूरत है, ना कूलर चलाने की जरूरत है, किसी भी चीज की उनको जरूरत नहीं है। लगी समझ, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इसको क्या बोलेंगे, थर्मो कन्फर्मर्स, उधर क्या बोलेंगे, ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये बात क्लियर हो गई। अब आइए, कहता है एनिमल दो तरीके से और अपने आपके लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो। अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी को दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एनिमल, आसानी से दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कहता है कैसे कैसे कर सकते हैं, दो तरीका कौन है भाई, कहता है दो तरीका और है, एक है माइग्रेट और एक है सस्पेंड। ये जो माइग्रेट वर्ड है ना, माइग्रेट वर्ड, ठीक है, माइग्रेट ठीक वही सही है, जैसे मान लिया कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ा, ठीक है, तो हम जोधपुर से चले गए शिमला, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, हम कोलकाता से चले गए दार्जिलिंग, हम कोलकाता से चले गए मसूरी, हम कोलकाता से चले गए ऊटी, ठीक है, हम कोलकाता से चले गए कश्मीर। बहुत ज्यादा सर्दी अगर हुआ तो हम कश्मीर से चले आए जम्मू। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है, जेके की जो राजधानी, अब तो जेके रहा नहीं, मतलब पूरी की पूरी, ठीक है, लेकिन अभी भी मतलब वो केंद्र शासित राज्य है, तो उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है कश्मीर, बट गर्मियों में क्या हो जाती है, सर्दियों में क्या हो जाती है, जम्मू, जम्मू में विधानसभा बैठती है उनकी, ठीक है। तो अब तो वो लद्दाख अलग हो गए, वो अलग हो गए, ठीक है, फ्यूचर में जम्मू कश्मीर में जम्मू भी हो सकता है अलग हो जाए, ठीक है, तो अभी तो वो हो गया, लेकिन अलग अलग राजधानी मतलब होती है सालों में, ठीक है, गर्मियों में वो, सर्दियों में वो, ठीक है, समझ रहे, ये बहुत जगह होती है। तो ये ठीक उसी ढंग का है, यानी कि ये जो पर है ना माइग्रेट, ये माइग्रेट करके बहुत सारे एनिमल अपने आप को एबायोटिक स्ट्रेसेस में, यानी एबायोटिक कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, याद होगा, ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे। अच्छा, ये किसके लिए होता है, ये माइग्रेट वर्ड क्यों, मतलब माइग्रेट तरीका क्यों डेवलप किया गया, जब एबायोटिक स्ट्रेसेस परमानेंट नहीं हो, जब एबायोटिक स्ट्रेसेस कुछ टाइम के लिए हो,
जब एबायोटिक स्ट्रेसेस ठीक है ट्रांसिएंट हो, शॉर्ट लिव्ड हो, तब हम ये माइग्रेट अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, पता चला कि नहीं, ये जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है ये कुछ दिनों के लिए है, ठीक है, टेम्प्रोरी है, तो हम ये काम कर सकते हैं। हम उतने दिनों के लिए क्या करेंगे, ठीक है, उतने टाइम के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, माइग्रेट कर जाएंगे और फिर वापस अपने। अब जैसे मान ली कि पक्षियों को आप देखिएगा, अक्टूबर नवंबर, अभी जो महीना जो आ रहा है चल रहा है अक्टूबर, फिर जो आएगा नवंबर, अक्टूबर नवंबर में आप देखिएगा, सुनिएगा, अगर जाने का मौका नहीं मिलेगा, एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी है राजस्थान में, ठीक है, कहता है राजस्थान में जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, कियोलाडो जो बर्ड सेंचुरी है, ये कोई कियोलाडो जो बर्ड सेंचुरी है, यहां पे सात समंदर पार दूसरे देशों से, साइबेरिया से, ठीक है, पक्षियां आती है अच्छे इन्वायरमेंट के लिए। अब बताइए, वो इतनी दूर से आती है, माइग्रेटरी बर्ड, उनको बोलते ही माइग्रेटरी बर्ड, यानी वो माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है, अपने आपके मतलब जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहां से दूर आते हैं। सोचिए उनका पावर, उनका ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्शन कौन देता है, आप इसके बारे में सोचिए। बहुत ज्यादा सोचिएगा, बहुत ज्यादा पढ़िएगा, बहुत ज्यादा इन पे डेडिकेट हो जाइएगा, दुनियादारी छत छोड़ के हो सकता है आपको भी नोबेल प्राइज मिल जाए, जैसे वॉन फ्रिस्क को मिला था हनी बी के डांस के डिस्कवरी के लिए, सालिम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, आपको भी इतना अच्छा अच्छा ऑनर मिल सकता है अगर आप डेडिकेट अपने आप को कर दें तो। कितनी इंटरेस्टिंगली है, ठीक है, कि भाई बर्ड का चहचहाना, एक दूसरे को फॉलो करवाना, सात समुद्र पार से साइबेरिया से चलते हुए, सोचिए कि समुद्र के रास्ते ऊपर से उड़ते हुए, कहीं आराम करते होंगे, एक दिन तो पहुंचते नहीं होंगे, और सब आते हैं भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और फिर अधिकांश वापस भी जाते हैं। अधिकांश क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ जो है उस ह्यूमन के अनऑथराइज्ड एक्टिविटी के शिकार हो जाते हैं, वो अपने छत से उनको मारते हैं गोली, वो गिरते हैं, उनका मांस बना के वो खा लेते हैं, ठीक है। अब सोचिए, वो आए थे एक अच्छे इन्वायरमेंट की तलाश में, हम लोग उनको यहीं पे मार के गिरा देते हैं, ठीक है। तो ये माइग्रेशन है, माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन, बहुत सारे एनिमल माइग्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो इस सीजन में यहां पे, उस सीजन में वहां पे, उस सीजन में यहां पे, यानी अपने आप को एक स्थान से दूसरे स्थान माइग्रेट करके एबायोटिक स्ट्रेसेस से बच जाते हैं, एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन से बचते हैं, एडवर्स टेम्परेचर से बचते हैं, एडवर्स ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन से बढ़ते हैं। अब जैसे बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो समुद्र से, ठीक है, फ्रेश वाटर में आते हैं स्पॉनिंग के लिए, क्योंकि उनका जो एग होता है ना वो वहां के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को सहन नहीं कर पाएगा, वहां के करंट को सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, याद कीजिए, ठीक है, हमने आपको बताया था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक ट्रिक बताया था, ठीक है, समझ गए, AISF, ठीक है, ए एनाड्रोमस, एनाड्रोमस, ठीक है, आई से, आई मतलब आई, कहां से आई है, समुद्र से फ्रेश वाटर में, यानी जो समुद्र से फ्रेश वाटर में एनिमल या फीसेस या कोई भी एक्वेटिक एनिमल जो समुद्र से फ्रेश वाटर में आती है एक देने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस। तो बताइए, माइग्रेटरी माइग्रेशन का एग्जांपल क्या होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है, फिर क्या बोलिएगा, एनाड्रोमस फीसेस, एनाड्रोमस फीसेस या एनिमल, ठीक है, कैटाट्रोमस फीसेस, कैटाट्रोमस फीसेस और एनिमल, ये सब हमारा क्या है, ये सारा का सारा, या अगर कोई भी एनिमल जो समुद्र से फ्रेश वाटर में आता हो, फ्रेश वाटर से समुद्र में जाता हो, ठीक है, मतलब जगह बदलता हो, जगह हम लोग भी बदलते हैं, हम लोग अपनी सुविधा से घूमने फिरने के लिए बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ घर बना के रहने के लिए, वे सर्दियों में यहाँ रहेंगे गर्मियों में, ऐसा नहीं करते हैं, और करते हैं तो बस मजे लेने के लिए, क्योंकि इक्विपमेंट्स तो उतना है ही, ठीक है, ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक ही सारा इन्वायरमेंट है लगभग। अब आप माइग्रेट को समझ गए होंगे,
ठीक है, माइग्रेट को आप समझ गए। अब आइए सस्पेंड पे, ठीक है, सस्पेंड पे आइए, ठीक है, माइग्रेट आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए सस्पेंड पे, कहते हैं बहुत सारा बैक्टीरिया, बहुत सारा फंगी, ठीक है, बहुत सारा दूसरे प्लांट, मतलब ये सब में जो स्पोर होता है ना, स्पोर कंडीशन जो होता है, ठीक है, ये जो स्पोर का उनका स्पोर बनता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, उसके थ्रू वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को थोड़ा सा डाउन करते हैं और बाद में जाके क्या होते हैं, ठीक है, बाद में जाके जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं। इसमें तीन चार चीजें आती हैं, तीन मेन चीज आती है, एक आता है हाइबरनेशन, एक आता है एस्टिवेशन, ठीक है, एक आता है डायापॉज, एक आता है डायापॉज, ठीक है, एक आता है डायापॉज। कहते हैं डायापॉज का मतलब होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंटल प्रोसेस, सस्पेंड, ठीक है, मतलब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, ठीक है, जैसे जूप्लैंकटन किसी लेक में, किसी पॉन्ड में जूप्लैंकटन जो होता है वो अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल रोक देता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अपने इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को भी रोक देता है, अपने डेवलपमेंटल प्रोसेस को बिल्कुल रोक देता है, और वो इंतजार करता है किसका, फेवरेबल कंडीशन का, यानी अपनी एक्टिविटी को रोक देना। एस्टिवेशन में क्या होता है, समर स्लीपिंग, यानी कि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन बाहर से होने पे, बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन बाहर का, जब बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन हो जाता है तो अपनी एक्टिविटी को बिल्कुल क्या करता है, रोक देता है और एकदम स्लीपिंग मोड में चला जाता है, उसको बोलते हैं समर स्लीपिंग। क्या उसको बोलते हैं, समर स्लीपिंग। उसी तरह से कुछ एनिमल, ठीक है, हाइबरनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं विंटर स्लीपिंग। विंटर स्लीपिंग यानी बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन होगा, वो बील में चले जाएंगे, वो बिल्कुल मतलब वैसे जगह पे चले जाएंगे जहां पे बिल्कुल उनका, अच्छा इस पीरियड में मतलब बात क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, सस्पेंड होगा, ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा जो जीवन जीने के लिए होगा। एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक एक्टिविटी यानी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी की उम्मीद नहीं कर सकते, इसमें डेवलपमेंटल प्रोसेस स्टॉप होता है, यानी जब तक वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन प्रोसेस में होंगे तब तक उनके बॉडी में ग्रोथ की उम्मीद बहुत कम की जाएगी, ठीक है। तो डायापॉज जूप्लैंकटन के द्वारा, डायापॉज बर्ड्स के द्वारा, कुछ बर्ड्स के द्वारा, ठीक है, हाइबरनेशन एस्टिवेशन कुछ एम्फीबियन के द्वारा, कुछ फीसेस, ये क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स के द्वारा, ये सब के द्वारा। तो हाइबरनेशन का मतलब, हाइबरनेशन अगर बोलेंगे तो हाइबरनेशन का मतलब क्या, हाइबरनेशन वर्ड का मतलब, ठीक है, हाइबरनेशन वर्ड का मतलब विंटर स्लीपिंग, और एस्टिवेशन वर्ड का मतलब समर स्लीपिंग, और डायापॉज का मतलब सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड क्या बोलिएगा, इम्ब्रियोनिक ग्रोथ। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है, ये है सस्पेंड का प्रोसेस, यानी कि सस्पेंड जो वर्ड है उसमें हम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन हो, और ये बहुत सारे एनिमल में पाया जाता है, बहुत सारे प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको पेज नंबर, ये मैं आपको हेडिंग दिखाता हूं, ये चीज को आपको देखना है। देखिए ये जो है ना, ये मैं आपको मतलब ये भी दूंगा, इसका पूरा का पूरा मतलब एक पेज भी इसमें, चूंकि हमने अंडरलाइन कर रखा है, देखिए रिस्पॉन्स टू एबायोटिक, ये फैक्टर्स, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब इसमें ये पूरा आपको पढ़ना है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो हमने आपको पहले बताया। देखिए ये मेन आपको पढ़ना है, ठीक है, रेगुलेट, ठीक है, उसके बाद कंफर्म, कंफर्म में आपको याद रखना, देखिए हमने सब अंडरलाइन कर दिया 99%, ये पूरा मिला के, यानी कि जो रेगुलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो मात्र 1%, जो कंफर्म करने वाले हैं वो कितना है, 99%, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, इसमें और भी एग्जांपल है, ठीक है, उसको भी आपको दिमाग में रखना है। माइग्रेट, माइग्रेट यानी कि जैसे उसमें नेशनल पार्क, ठीक है, क्यूलाडो का चर्चा है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी का, तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। ये सस्पेंड, ये पूरा का पूरा ये आपको पढ़ना है। तो ये सब जो भी है यहां तक, ये रेगुलेट, कंफर्म, ठीक है, माइग्रेट और सस्पेंड, ये चारों जो पढ़ना है, ये चारों का हम डायग्राम भी आपको इसमें डालेंगे, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि सस्पेंड तीन मेन तरीके से होता है, कौन कौन, तो कहता है एक
हाइबरनेशन, विंटर स्लीपिंग याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एक समर स्लीपिंग, एस्टिवेशन, और एक डायापोज। और मैं बता दूं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, इसके डिफरेंट स्पोर्स होते हैं, आपने पढ़ा है डिफरेंट चैप्टर में, वो थिक वॉल्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वो फ्रूटिंग बॉडी का, ठीक है, ये करते हैं, जैसे स्लाइम वॉल्स में आपने पढ़ा है, वो सब इकट्ठा होकर एग्रीगेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। हम स्लाइम बॉडी बोल रहे हैं, स्लाइम मोल्ड बोल रहे हैं, स्लाइम मोल्ड एग्रीगेट करके प्लाज्मोडियम बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो कहता है कि ये सब बहुत बहुत बैक्टीरिया क्या होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरुलेशन उसको बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स स्पोरुलेशन करते हैं, बहुत सारा इंसिस्टमेंट होती है। तो ये बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट में, ये सब चीजें होती है, ठीक है, ये सब चीजों को भी दिमाग रखेंगे। और एक चीज जान जाइए, ये जो थर्मोरेगुलेशन और कन्फर्मन है, वहां पे एक एग्जांपल आप और याद रखिएगा, वो एग्जांपल क्या है डियर, कहता वो एग्जांपल है कि छोटे एनिमल जो होते हैं ना, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते, क्यों, छोटे एनिमल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, जिसे श्रीव स्मॉलेस्ट मैमल, अंगूठे के टाइप का मैमल्स होता है। अब बताइए, वो उतना ज्यादा स्वेटिंग अगर करेगा तो उसका पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब पसीने के थ्रू उसका पूरा का पूरा मिनरल कंटेंट सब बाहर चला जाएगा। तो कहता है मैमल्स और बर्ड्स ऑस्मोरेगुलेटेड हैं, एक्सेप्ट, क्या बोलिएगा, एक्सेप्ट बोलिएगा, स्मॉलेस्ट मैमल, श्रीव यानी कि स्मॉलर मैमल्स, ठीक है, जो होते हैं वो बड़े मैमल्स की तरह मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये दिमाग रखिएगा, उसमें है, आपको एक बार पढ़ना है, यानी इस वीडियो को देखने के बाद, हम उसमें वो पेज भी डाल रहे हैं, आपको नहीं अपने किताब का पढ़ना होगा, मेन मेन चीज ही पढ़ना होगा, तो हम जो दो पेज दे रहे हैं उसमें अंडरलाइन किया हुआ है, और वो आप पढ़ लीजिएगा तो आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। वही पढ़िएगा जो हमारे बुक में दो पेज जो आपको इस वीडियो के साथ देंगे, उसको अंडरलाइन, उसको रोक के पॉज करके आप पढ़िएगा, तो फालतू चीज आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इस पूरे दो पेज में फालतू चीज पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वही चीज पढ़ना पड़ेगा जो चीज आपको पूछेगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं, ठीक है, अगला हम लोग, ठीक है, हेडिंग पढ़ेंगे एडेप्टेशन, उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इंट्रैक्शन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।
हैं।